दावे के साथ कहता हूं कि 40 दिन ये अमल करके देख लो, जिंदगी में इंकलाब आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से जिंदगी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। हर रोज सुबह को फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद चंद मिनट अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर यह दुआ कर ले कि या अल्लाह मेरा दिन आज शुरू हो रहा है और इस दिन में मेरी पता नहीं मेरा आखिरी दिन भी हो सकता है। आजकल किसी का पता है कि कब तक जिंदा रहेगा, हो सकता है आखिरी दिन हो या और भी आपने मजीद मोहलत दी हुई हो, लेकिन आज मैं दिन शुरू कर रहा हूं तो मैं इस वादे इस अहद के साथ शुरू कर रहा हूं कि जो काम करूंगा अल्लाह आपकी रजा के लिए करूंगा, यहां तक कि खाना भी खाऊंगा तो आपकी रजा के लिए। अगर अपने बीवी बच्चों से और अपने घर वालों से बातचीत करूंगा आपकी रजा के लिए, अगर मैं सोऊंगा तो मेरा सोना भी आपके लिए होगा, यानी इसलिए होगा कि इस सोने के जरिए मुझे कुव्वत हासिल हो और मैं कुव्वत हासिल होकर आपकी इबादत ज्यादा से ज्यादा अंजाम दे सकूं। इस नियत के साथ करूंगा। इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए होगा। और ये पहले तो ऐद कर लो और फिर साथ में दुआ कर लो। दुआ ये कर लो कि अल्लाह मैंने ऐद तो कर लिया लेकिन मैं इस अहद पर खुद अपनी ताकत से कायम नहीं रह सकता, जब तक आपकी तौफीक शामिल हाल है। तो अल्लाह इस अहद के साथ मैं आपसे दुआ भी मांगता हूं कि अल्लाह मुझे मुखलिस बंदों में शामिल फरमा ले, मेरे हर अमल को अपने 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 रजा जोई के लिए कर ले, मेरी सारी जिंदगी को अपनी रजाए कामिल के मुताबिक बना ले। ये दुआ कर लो सुबह सवेरे और रात को सोते वक्त, फिर सोने से पहले एक मरतबा जायजा ले लो कि आज मैंने जिंदगी में अपने दिन में क्या क्या काम किए थे और वो कैसे कैसे अंजाम दिए गए, उसमें कितना इखलास।